हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी हमारे यूट्यूब चैनल वायरल करंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं मुंबई से दिल्ली तक बन रहे नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के ऊपर 5 एनिमल ब्रिज के बारे में। ऐसा प्रस्ताव अभी हाल ही में पास हो गया है जो NHAI द्वारा राजस्थान सरकार को दिया गया है, जिसे राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये एनिमल ब्रिज भारत के पहले एनिमल ब्रिज होंगे। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ये ब्रिज क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है और इन ग्रीन फील्ड ब्रिज से वाइल्ड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में एनिमल्स के लिए एक पहला वाइल्ड लाइफ ब्रिज बनने जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2022 तक इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद से इस ब्रिज के बारे में ना पता हो। तो एनिमल क्रॉसिंग एक ऐसी संरचना है जो जानवरों को रोड पर होने वाले एक्सीडेंट से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसको बनाने का मेन मकसद ही यही है, ताकि जितने भी जंगली या पालतू जानवर हैं उनको मानव निर्मित बाधाओं से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि अंडरपास टनल, ओवरपास टनल, वायडक्ट और ओवरपास या ग्रीनफील्ड ब्रिज, कलवर्ट्स, कैनोपी ब्रिज। ये इन ब्रिज के प्रकार हैं जिनको जानवरों की सुरक्षा के अनुसार बनाया जाता है, ताकि उनको ब्रिज क्रॉस करते समय किसी भी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से ब्रिज को पार कर सके। इन ब्रिज को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, जो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग हैबिटेट कंजर्वेशन का एक हिस्सा है। यानी जब जानवरों के रहने की जगह को अलग कर दिया जाता है रोड्स, रेलवे लाइन के द्वारा, तब उस समय फ्रेगमेंटेशन के अंदर बीच में ये कनेक्शन बनाए जाते हैं, ताकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सके बिना किसी ह्यूमन मेड बैरियर्स को क्रॉस किए। यानी वो हाईवे को क्रॉस करने के बजाय इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सके। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन है वाइल्ड एनिमल के लिए, जो यूरोपीय देशों में, खासकर नीदरलैंड और जर्मनी में, जो 1950 में इन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर हम कनाडा की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग कनाडा में है, क्योंकि कनाडा ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है। US की बात करें तो वहाँ भी है। यानी अब तो ये वाइल्ड लाइफ ब्रिज दुनिया के हर कई देशों में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की, कि ये होता क्या है और क्यों होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाईवेज बनने के कारण हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है। रोड्स, रेलवे लाइन, कैनाल, इलेक्ट्रॉनिक पावर लाइन, पाइप लाइन, ये सभी जंगलों को डिवाइड करते हैं। यानी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को अलग अलग एरिया में बांट देते हैं और इनके कारण एनिमल्स की जो नेचुरल माइग्रेशन यानी नेचुरल मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, और इसी कारण ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बनाई जाती है। इन ब्रिज पर फेंसिंग लगाई जाती है ताकि एनिमल उसी की तरफ डाइवर्ट हो, ना कि रोड या हाईवे की तरफ, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। डचों की बात करें तो उन्होंने दुनिया का सबसे लंबा एनिमल क्रॉसिंग ब्रिज बनाया है, नेचरबर्ग जैंड्रिस क्रीलू, एक ओवरपास जो 0.8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर फैला है। बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, तो सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना जो 2020 तक पूरी हो जाएगी, यह एक्सप्रेसवे भारत में प्रमुख विनिर्माण केंद्रों के साथ साथ समय और लागत को कम करने में मदद करेगा। इस योजना के अनुसार सरकार 2.5 किलोमीटर की योजना के साथ 5 भूमिगत हिस्सों का निर्माण करेगी और इसके साथ ही 8 मीटर की 4 दीवारी का भी निर्माण किया जाएगा और शोर अवरोध भी स्थापित किया जाएगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला एनिमल ओवरपास ब्रिज होगा। ये वन्य जीव के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में एनिमल ब्रिज की तर्ज पर होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की परिकल्पना 1320 किलोमीटर की ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में की गई है, जिसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपए लगाए जाने की बात की गई है।
जहां एक तरफ वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने में 24 घंटे का समय लगता था, वहीं अब इस नए एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय 12 से 13 घंटे हो जाएगा। इस नए एक्सप्रेसवे का विकास कार्य 51 पैकेजों में पूरा किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेवात, रतलाम और दाहोद जैसे अविकसित क्षेत्रों में से गुजरेगा। यह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों से भी गुजरेगा। यह एक एक्सिस नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा जो विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर बेहतर सुरक्षा के साथ बनाया जाएगा। इस परियोजना में एलिवेटेड रैम्प या सर्विस रोड के साथ 4 मल्टीलेवल इंटरचेंज शामिल होंगे। यह 5 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से दिल्ली IGI हवाई अड्डे के T3 टर्मिनल से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह कुछ महत्वपूर्ण जंक्शनों के साथ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली यानी ITS पर भी चौराहों को घेरेगा। एक्सप्रेसवे में आगे चलकर यातायात के विकास को पूरा करने के लिए 12 लाइन के विस्तार के लिए 8 लेन होंगे और इसके साथ ही प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेसवे के साथ 73 तरह की सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, डॉर्मेट्री सुविधाएं, स्टोर, ईंधन स्टेशन, शौचालय और हेलीपैड जैसी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस क्रॉसिंग ब्रिज का यही है कि गाड़ियों और जानवरों के बीच जो टकराव होता है, जो कॉल्यूशन के चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और कई बार कॉल्यूशन के में प्रॉब्लम यही होती है कि जानवर मरते नहीं हैं बल्कि घायल हो जाते हैं, लेकिन ये इंजरी उनके लिए बहुत दुखदायी होती है क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाएंगे, जिस कारण कुछ समय बाद भी उनकी मृत्यु हो ही जाएगी। तो ये इंजर्ड वाइल्ड लाइफ है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जानवरों के लिए और हम इंसानों के लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग जानवरों को बचाने के चक्कर में उनको खुद की ज़िंदगी दाव पर लगानी पड़ जाती है, जिस कारण केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसान भी की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये रोड किल्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वायरल करंट के साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।